हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गूगल पे से लोन पेमेंट कैसे करते हैं लाइव प्रूफ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे से हमें लोन पेमेंट करना है तो मैं गूगल पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे अकाउंट ओपन करने के बाद दोस्तों हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, हमें पासवर्ड डाल देना है। मैं पहले पासवर्ड डाल देता हूँ, आप अपने पासवर्ड डाल दीजिए। डालने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है दोस्तों। हमें कोई सा भी लोन हो, कार लोन, होम लोन, कोई सा भी लोन हो, मोबाइल लोन, कोई सा भी लोन हो, हम पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लाइव प्रूफ बताऊंगा आपको। लाइव प्रूफ बता के आपको ट्रांजैक्शन आईडी, रिसिप्ट वगैरह सभी बताऊंगा आपको। आप गूगल पे से कोई सा भी लोन पेमेंट कर सकते हैं, होम लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो। जी हाँ दोस्तों, आपको न्यू पेमेंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, प्लस आइकन यहाँ पर बीच के ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करना है न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमें इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें लिंक करना होता है। तो यहाँ के नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है और फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस और लोन ईएमआई पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी कंपनियाँ आ जाती है, बहुत सारी। तो मेरा कौन सी कंपनी से है लोन, तो मैं होम क्रेडिट वाले लोन को पेमेंट करूँगा। तो मैं होम क्रेडिट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जो भी आपकी कंपनी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लिंक करना होता है अकाउंट को, लोन अकाउंट को लिंक करना होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी दोस्तों, तो वो लोन अकाउंट नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। लोन अकाउंट नंबर डालने के बाद अकाउंट नेम यहाँ पे नीचे की ओर अकाउंट नेम भी आपको डालना होता है। तो मेरा लोन अकाउंट डाल दिया और यहाँ पे मेरे कस्टमर का नाम जो लोन अकाउंट में है वो डाल देना है और फिर हमें लिंक अकाउंट पे क्लिक करना होता है। जब यह लिंक हो जाएगा तब ये ऐड हो जाएगा, फिर बाद में हमें पेमेंट करना। लिंक अकाउंट पर मैंने क्लिक कर दिया। लिंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग ऐड होने में। तो ये दोस्तों, ये ऐड हो चुका है। देखिए दोस्तों, अकाउंट नेम नीचे देखिए शिवराज बिल जो हमने टाइप किया, ऊपर वाला जो इसके लोन में शिवराज बिल आ चुका है। और लिंक अकाउंट पे हमें वापस क्लिक करना है। ये दोस्तों, यदि अकाउंट लिंक हो चुका है दोस्तों, तो हमें नीचे यहाँ पर दिखाई देने लग गया पे बिल, ये अमाउंट हमें पे करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर शिवराज बिल, यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ टेक्निकल। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट में भी लिखना कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मैं यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन, ये दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कंफर्म हो चुका दोस्तों। रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह वगैरह सभी आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बैक ले लेना, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी, पेमेंट हुआ है वो। नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर रिप्रेस हो चुका है, रिप्रेस होने के बाद 1642 रुपये दिख दो। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।